रक्षाबंधन है, आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हो? एक ऐसा दिन जहाँ भाई बहन काफी स्पेशल होता है, राज आपसे जानना चाहूंगा, हाउ डू यू सेलिब्रेट दिस डे? बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही धूमधाम के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं। एंड यस, मेरे सिस्टर के लिए दिन बहुत ही स्पेशल होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स इन्हें गिफ्ट्स मिलते हैं, कैश मिलता है बहुत सारा, तो इसी के लिए वेट करती हैं ये। नहीं, बट हम बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं रक्षाबंधन। हर साल की रक्षाबंधन राखी बहुत ही मेमोरेबल और बहुत ही स्पेशल होती है। हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एंड आई ट्राई कि मैं अपने आप को फ्री रखूँ उस दिन, बट शूट आ गया, अगर कुछ काम से कहीं जाना पड़ा तो मैं बाहर ही रहता हूँ। बट जब मुहूर्त होता है तब मैं बहन के पास होता हूँ राखी बंधवाने के लिए। और इस साल तो मैंने सब कुछ कैंसिल कर दिया, अपने प्लान्स जो भी है, इंटरव्यू, शूट्स, एवरीथिंग, मैंने छुट्टी ले ली है हर जगह से। एंड आई मैंने कि पूरा दिन मैं अपनी सिस्टर के साथ रहूँगा, उन्हें ही पूरा पूरा टाइम दूंगा, ढेर सारा प्यार दूंगा भी मूवीज देखेंगे, दूंगा। शॉपिंग करेंगे एंड यस। एंड कोई ऐसी मेमोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज आप बताना चाहोगे जो काफी स्पेशल होगी? बहुत सारी मेमोरीज ऐसी है, स्पेशली राखी मेमोरीज। एंड बताना चाहूँगी कि जब चाइल्डहुड में राज मेरे पास डिमांड लेके आता था कि इस बार जो भी ट्रेंड में कार्टून्स चल रहे प्लीज उसकी राखी लेके आना। सो कभी मुझसे डिमांड करता था, कभी डोरेमोन, कभी छोटा भीम, कभी लाइटिंग वाली राखी, बिकॉज उसे अपने बॉयज गैंग में फ्लॉन्ट करना होता था कि आज इस साल मेरी दीदी ने मेरे लिए ये राखी लाई है। सो यस, वो मेमोरीज तो है ही, बट जैसे जैसे ऑब्वियसली हम ग्रो होते हैं तो मेच्योर हो गए हैं, वी गिफ्ट ईच अदर, वी अंडरस्टैंड ईच अदर, सो एवरी राखी ब्रिंग्स अस डिफरेंट मेमोरीज विद अस। ओके, बीइंग अ यंगर ब्रदर, किस तरह की नोकझोंक होती है आप लोगों की बचपन की, कोई ऐसी मेमोरीज कुछ पता? बचपन की तो नहीं, नोकझोंक तो जहाँ भाई बहन हो वहाँ नोकझोंक अपने आप ही आ जाती है, रहती है वो तो। यस, और ये तो कहानी घर घर की है, जहाँ पे भाई बहन हो वहाँ तो ये सब होना ही होना। और हम टॉम एंड जेरी वाले लोग जो वाले झगड़ा होता है हमारा हमेशा, और हमारे लेजिट मतलब बचपन में ऐसे भी फाइट्स हुए। और एक बार तो मैंने इसे इतना तंग किया, इसे ना मैं होमवर्क करने दे रहा था, ना इसे पढ़ने दे रहा था, इसकी एग्जाम चल रही थी, मैंने इसे इतना परेशान किया कि मॉम ने मुझे मारा है, इतना मारा था, मतलब मैं चिल्ला, पूरी बिल्डिंग को पता चला कि घर में कुछ तो हुआ है, लड़के ने कुछ तो किया है। तो फिर सब लोग आके पूछ रहे थे क्या हो गया, राज को इतना चिल्ला रहा है, तो मॉम वॉज ऑल्सो एंग्री, कह रहे थे उनको पढ़ाई नहीं करने दे रहा, होमवर्क नहीं करने दे रहा। तो मुझे मजा भी आता है इन सब चीजों में, और कभी कभी मुझे मॉम को ऐसा गुस्से में देख के भी अच्छा लगता है। इनके लाइक शेड्यूल में काफी लाइक ही इज वेरी बिजी विद हिज वर्क, पर कोई ऐसी बात है जो आपको काफी अच्छी लगती हो उनके बारे में? लाइक राज इज अ वन पर्सन जो जहाँ पे भी रहता है सो आसपास सब बहुत खुश और हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। दैट आई लव अबाउट हिम, जहाँ पे भी जाता है वो खुशियाँ बटोरते रहता है और देता भी रहता है लोगों को। सो दैट इज वन थिंग अबाउट हिम। एंड बहुत सपोर्ट करता है कोई भी डिसीजन हो, मुझे भी उसने काफ़ी मोटिवेट किया, तो मैंने अपनी ब्लॉगिंग चैनल भी शुरू की, यूट्यूब शुरू किया, सो इन अ वे ही इज़ वेरी सपोर्टिव इन दैट मैनर। तुझे तेरे ये बात बताने के लिए गिफ्ट मिल जाएगी, थैंक यू। और दो लाइन ऐड कर देना जो बताए थे। यस राज, आपसे जानना चाहूंगा कि इस रक्षाबंधन में आपने क्या कुछ प्लान किया, स्पेशल कुछ तो प्लान किया रहेगा? यस, स्पेशल क्या प्लान किया वो तो मैं अभी नहीं बताता हूँ, क्योंकि इन्हें भी ऑफ कोर्स पता चल जाएगा, बट मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर रफ आइडिया दे देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं रक्षाबंधन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने प्लान किया है मूवी के लिए, जो रक्षाबंधन मूवी आई है वो हम देखने जाएंगे, वो भी भाई और बहनों की एक स्टोरी है, सो आई एम एक्साइटेड टू वॉच दैट फिल्म। एंड देन सेकेंड हम लोग जाएंगे लंच के लिए, शाम को भी कहीं जाएंगे, कुछ तो प्लान किया है। okay, वो तो आपको मेरे सोशल मीडिया से पता चल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स शॉपिंग नहीं बताया, शॉपिंग वो तो हाँ, ये मतलब एक मौका नहीं छोड़ती है ना, जहाँ जगह मिली वहाँ पे गिफ्ट्स और शॉपिंग आ जाता है इसका। बट so ये एक ही तो दिन होता है ऑब्वियसली लूटने का भाइयों को, सो ये तो बनता है। लेजिस तने लेजिस लेजिस गिफ्ट मटे ने शॉपिंग मटे लेजिस। किस तरह की डिमांड करने वाले हो आप? काफी लंबी चौड़ी लिस्ट मैंने बनाई हुई है, बट मैं बहुत स्मार्ट प्ले करता हूँ इस बात पे। आई जस्ट गिव हर द माय कार्ड एंड द कैश, एंड मैं कि आपको जो भी लेना है ले लो भाई मुझसे, बिकॉज इसकी गिफ्ट इनको अंडरस्टैंड करना, मतलब आपको तो मैं क्या ही बोलूँ अभी, मतलब इनको कोई अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकता कि इनको किस टाइम पे क्या डिमांड आती है, क्या चाहिए होता है। कितना भी मैं महंगा ब्रांड लाके दूं या कुछ लाके दूं, शिल्पी लाइक अरे ये क्यों लेकर आया, तुझे ये कलर नहीं लेना चाहिए था, ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, ये मटेरियल मुझे पसंद नहीं आया, ये पैटर्न मुझे पसंद नहीं आया, ये नहीं। आई एम लाइक कि भाई आपको दे रहा हूँ, आपके हवाले कर रहा हूँ मेरा कार्ड, आपको जो भी चाहिए आप लेकर आ जाइए। सो मैंने बहुत अच्छी खासी शॉपिंग की लिस्ट बनाई है, इस बार आज का मैं जो है पॉकेट
जेब है ढीला खाली करके ही रहूंगी मैं. बहुत अच्छी मैंने लिस्ट बनाई राज, यू आर गेटिंग योर लिस्ट. आप क्या उसे सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, yes, बहुत बड़ी लिस्ट है. बीइंग अ यंगर ब्रदर यू हैव टू डू इट. हैं आप भी इनके भाई हो ना, आप क्या लेकर आए इनके लिए गिफ्ट बताइए. वो जो बोलेंगे मैं दे दूंगा. आता इनसे मांगना. आता सो आई हैव बैग्स, आई हैव शूज इन माय लिस्ट. बहुत सारी चीजें मुझे बाय करनी है, सो मैंने राज को सब बता दिया. एंड इसके अलावा मैं बात करूं, उनका हाल ही में गाना भी आया था, पहला सॉन्ग था, फर्स्ट सॉन्ग. आप क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? Yes, it was a very memorable moment for us जब हम शूट कर रहे थे, because I was there with on his set and we had a blast shooting it and obviously 6 million plus views हो चुके हैं सॉन्ग पर. आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, thank you so much guys. एंड काफी प्राउड फीलिंग होती है जब राज को इतना सारा प्यार मिलता है आपसे, तो ऐसे ही प्यार करते रहिए एंड राज आपको हमेशा एंटरटेन करता रहेगा. एंड एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा दैट ड्यूरिंग होल शूट शी वाज विथ मी ऑन सेट भी. ऑफ कोर्स लोग तो टीम तो थी ध्यान रखने के लिए, बट शी वाज आल्सो टेकिंग केयर ऑफ मी एंड टाइम टाइम पे शी वाज आस्किंग मी कि राज कुछ खाना है, तुझे कुछ पीना है. पानी का बॉटल वो हाथ में लेकर खड़ी थी मेरे लिए कि जब भी मुझे पानी चाहिए वो मुझे पानी दे रही थी. एंड शी वाज टेकिंग केयर ऑफ माई ब्रश, हेयर ब्रश एंड मेकअप एंड ये वो. ऑफ कोर्स टीम तो थी बट वो भी पर्सनली वहाँ खड़ी थी. शी वाज आल्सो गाइडिंग मी, टेलिंग मी कि राज तूने ये थोड़ा ठीक से नहीं किया, ये अच्छा तूने किया था, आगे भी देख इसमें कुछ और वेरिएशन ला सकते हैं कि नहीं. तो शी वाज आल्सो हेल्पिंग मी इन दैट आल्सो कि और यू नो गाने में अच्छा लगे. तो आपको तो भाई मैजिक पता चल ही गया स्क्रीन पे. राज इसके अलावा काफी सारे एपिसोड्स आप तारक मेहता पे नहीं नजर आ रहे हो, काफी सारी चर्चा हो रही है उसके बारे में, क्या कहना चाहोगे आप? उसका आंसर तो आपको ऑलरेडी पता ही है, आपने मुझसे पहले भी पूछा है ये. सो यस, ऑलरेडी मैंने आंसर कर दिया इस क्वेश्चन को. एंड इसके अलावा कोई आने वाले समय में एनी म्यूजिक एल्बम, एनीथिंग कमिंग अप? यस, जैसे कि हमने बीच में एक शेयर भी किया था दैट आई हैव डन वन मोर म्यूजिक एल्बम विद रामजी पाजी जो आदा खान के साथ आने वाला है. तो बस बहुत ही जल्द आपको वो सॉन्ग देखने मिलेगा. एंड मैंने तो देखा वो सॉन्ग, बहुत ही प्यारा आया है, बहुत निकल के अच्छा आ रहा है सॉन्ग. तो बस आप थोड़ी देर रुक जाइए, आपको वो सॉन्ग देखने मिलेगा. एंड अदर देन दैट है कुछ चीज़ें जो पाइपलाइन में है, अभी आपको बहुत जल्द पता चलेगा. सो द स्टे ट्यून फॉर इट. एंड बस आपका प्यार, आपका सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए और मैं अपना 110% दूंगा आपको एंटरटेन करने के लिए. आपके हाथ दर्द हो तो मैं पकड़ नहीं, नहीं, नहीं चलेगा. सो बस स्टे ट्यून गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड योर सपोर्ट. फैंस वेट करेंगे आपके सब आपको. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. बाय, हैप्पी राखी एवरीवन. यस, हैप्पी रक्षाबंधन गाइज. थैंक यू. टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.